की बंपर भर्ती होगी। स्कूलों में खाली चल रहे पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने 100 दिन की डेडलाइन तय की है। नए साल पर शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद। भजनलाल सरकार ने तय की डेडलाइन। नए साल पर लंबे वक्त से भर्ती का इंतजार कर रहे टीचर्स को गुड न्यूज मिल सकती है, क्योंकि भजनलाल सरकार ने तय कर लिया है कि अगले 100 दिन में शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने का काम किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस मुद्दे को अपने 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में प्रक्रियाधीन सभी भर्तियां पूरी की जाएंगी। विभाग के खाली पदों की गणना कराकर नई भर्तियां निकाली जाएंगी। इस बाबत प्रदेश सरकार ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। पिछली सरकार की प्रक्रियाधीन जो भर्ती हैं, उनको सरकार ने पूरा करने का बीड़ा उठाया है। जो खाली पद हैं उनकी भी गणना सरकार करा रही है। 90 दिन की जो कार्य योजना बनाई है सरकार ने, जिसमें 12,000 से अधिक पदों को भरने का बीड़ा सरकार ने उठाया है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इससे जो है विभाग में खाली पदे जो पद पर खाली पड़े हैं वो जल्द भरेंगे और काम भी सुचारू रूप से हो पाएगा। सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग अगले 90 दिन में 12,484 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों का काम पूरा करेगा, जिसमें व्याख्याता के 2,592 पद होंगे, वरिष्ठ अध्यापक के 8,842, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के 461 पद होंगे, प्रयोगशाला सहायक के 61 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 528 पद शामिल हैं। सरकार के 100 दिन की कार्य योजना में शिक्षा तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार करना भी शामिल है। अगर सरकार 100 दिन के अंदर लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो आने वाले सत्र में शिक्षा विभाग के ढांचे में और सुधार आ सकता है, जो सरकार का सराहनीय कदम होगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शिक्षा विभाग के पिछली सरकार की प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा करने का वादा दिलाया है। इस वादे और दावे के साथ साथ ही विभाग को यह भी निर्देशित किया गया है कि अगले 30 दिनों में खाली पदों की सूची भी सौंपी जाए, ताकि शिक्षा विभाग में खाली चल रहे पदों को भी भरा जा सके। कुल मिलाकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भजनलाल सरकार के इस फैसले की शिक्षक वर्ग हर ओर से तारीफ कर रहा है। अब सरकार के सामने बड़ा चैलेंज होगा कि पिछली सरकार की भर्तियों को समय पर पूरा करना और नई भर्तियों को सामने लाना। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज 18 जयपुर।